ज्ञानव्यापी मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दे दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, अंदर देव प्रतिमाएं हैं, त्रिशूल हमने तो नहीं रखे हैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। तो आपने सुना, वाराणसी के ज्ञानव्यापी विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानव्यापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं या मस्जिद में हमने तो नहीं रखे, अगर ज्ञानव्यापी की मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, यह ऐतिहासिक गलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अगर हम मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देख ले, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देख ले, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे हैं ना, ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है, उस गलती पर समाधान हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये इंटरव्यू काफी चर्चा में बना हुआ है, जहां पे उन्होंने दो टू ज्ञानव्यापी को लेकर अपनी बात कह दी है। अब ज्ञानव्यापी को लेकर आपको बताएं तो कोर्ट में ज्ञानव्यापी को लेकर तमाम मामले चल रहे हैं। ये मामले वाराणसी की कोर्ट में, प्रयागराज की हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट तक चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर के एसआई सर्वे को लेकर वाराणसी की कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन की रोक लगाई मुस्लिम पक्ष इंतजामिया कमेटी को। प्रयागराज की हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाने के लिए समय दिया, मुस्लिम पक्ष कोर्ट पहुंचा, जहां पर फिर एक बार इस पूरे एसआई सर्वे को लेकर स्थिति आगे क्या होगी इसको लेकर चर्चा बनी हुई है। कोर्ट ने अपनी तरफ से फैसला इस पर सुनाया हुआ है। अलग अलग मामले हैं, आपको बताते चलिए कि लगभग एक साल पहले वाराणसी की कोर्ट में ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे को लेकर आदेश दिया गया था, जहां पर वकीलों के निरीक्षण के दौरान वहां पर सर्वे किया गया था, वकीलों को ही वहां पर कमिश्नर नियुक्त किया गया था, जिस दौरान वहां की तस्वीरें काफी चर्चा में आई थी, जहां पर अलग अलग विग्रह देखने को मिले थे। खुद उस परिसर के वजू खाने में एक आकृति मिली थी जिसे हिंदू पक्ष ज्योतिर्लिंग कह रहा था, मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा कह रहा था। इन सब बातों के दौरान लगातार चर्चा बनी रही, वहां त्रिशूल की भी आकृति मिली थी, मगरमच्छों के भी पत्थर मिले थे, तहखाने में तमाम दूसरे सामान मिले थे, जिसको लेकर लगातार चर्चा बनी हुई थी। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान चर्चा में है, जहां पे उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक गलती बताया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।